हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिटरेरी एजेस का एक एज कंप्लीट किया था या एक पीरियड कंप्लीट किया था जो कि था एलिजाबेथन एज। आज के लेक्चर में हमने कल आपको बताया था कि नए लेक्चर में या अपने नए वीडियो में हम मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बात करेंगे जो कि आपके कोर्स में दूसरा लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेटाफिजिकल पोइट्री। बट सबसे पहले हमें ये चीज़ जान लेना चाहिए व्हाट इज मेटाफिजिकल। तो बच्चों, ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, ये जो वर्ड है कौन सा, मेटाफिजिकल, अगर हम इसको तोड़ें तो ये दो पार्ट में टूटता है। एक तो हो गया मेटा और दूसरा हो गया फिजिकल। मतलब ये जो वर्ड है या ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से, मेटा और फिजिकल। मेटा का मींस क्या होता है बच्चों, आगे देखो, इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। जो वर्ड है या जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये दो वर्ड से बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा का मींस होता है बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब होता है अर्थली। अर्थली मतलब धरती से रिलेटेड। तो मेटाफिजिकल का क्या मतलब निकल क्या है, बियॉन्ड अर्थली। इट मींस ऐसी चीजों के बारे में बात करना या ऐसे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देना या ऐसे टॉपिक को अपने पोइट्री अपने वर्क में इंक्लूड करना जो कि अर्थ से रिलेटेड ही ना हो, मतलब जो कि नेचुरल ना हो, मतलब कि धरती की जो सामान्य सी चीज़ें हो रही होती हैं उनसे रिलेटेड ना हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मेटाफिजिकल जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है मेटा जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और दूसरा वर्ड है फिजिकल जिसका मतलब होता है अर्थली। और दोनों को मिला दिया जाए तो मेटाफिजिकल का मतलब निकल के आया या इसका मींस जो निकल के आता है वो होता है बियॉन्ड अर्थली, मतलब धरती से दूर जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करना। अब धरती से दूर चीज़ों के बारे में बात करने का मतलब बच्चों क्या हो सकता है, जैसे सूरज चांद तारे इन सब के बारे में बात करना, या ऐसी चीज़ें बात करना जो हमारी धरती से रिलेटेड ही ना हो। तो मेटाफिजिकल वर्ड का मींस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, द टर्म फर्स्ट टाइम अप्लाइड बाय जॉन ड्राइडन इन हिज असेसमेंट ऑफ द पोइट्री जॉन डन। अब हम बात करें मेटाफिजिकल वर्ड का मतलब तो हम समझ गए, लेकिन अब हम ये चीज जान ले कि मेटाफिजिकल वर्ड को सबसे पहले यूज किसने किया था। तो इस टर्म को फर्स्ट टाइम अप्लाइड किसने किया था, ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। कहाँ अप्लाई किया था, जब वो असेसमेंट कर रहे थे। असेसमेंट करने का मतलब बच्चों क्या होता है, मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना। जब वो मूल्यांकन कर रहे होते हैं किसकी, जॉन डन की पोइट्री को, मतलब जब जॉन डन की पोएम्स को वो पढ़ रहे होते हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे होते हैं, तब पहली बार उन्होंने, किन्होंने, जॉन ड्राइडन ने इस टर्म मेटाफिजिकल का यूज किया। ठीक है बच्चों, किसके लिए यूज किया, जॉन डन की पोइट्री के लिए यूज किया। किसने किया था पहली बार यूज, जॉन ड्राइडन ने, और जबकि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा था, बियॉन्ड अर्थली। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो लेटर इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन, फर्स्ट टाइम यूज किया था जॉन ड्राइडन ने, लेकिन इसको पॉपुलर किसने बनाया था, डॉक्टर जॉनसन ने। कब बनाया था, व्हेन ही अप्लाइड इट टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हु आर नोन एज पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल्स। मतलब इस वर्ड को तो यूज किया जॉन ड्राइडन ने पहली बार, लेकिन इस वर्ड को पॉपुलर बनाने वाले थे डॉक्टर जॉनसन। इन्होंने इस वर्ड का यूज किया, कुछ पोएट्स का एक ग्रुप था उनके लिए, क्योंकि
वो जो पोएट्स का ग्रुप था वो सेम टाइम या सेम टाइप के या सिमिलर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पोइट्री या अपना वर्क लिखते थे, इसलिए उन्होंने उस ग्रुप को ही बोल दिया कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप है। तो पहली बार यूज करने वाला जॉन ड्राइडन, किसके लिए यूज किया था? जॉन डन के लिए यूज किया था। लेकिन पहली बार इसको फेमस बनाने वाला कौन था? डॉक्टर जॉनसन था। उसने इसको या इस टर्म को, एक पोएट का ग्रुप था, कई सारे पोएट्स थे उसमें, उसका एक ग्रुप था, उसने किसने डॉक्टर जॉनसन ने उस पोएट्स के ग्रुप को ये टर्म दिया या इस नाम से पुकारा, मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। द टर्म मेटाफिजिकल कैन बी अप्लाइड टू एनी पोइट्री विच डील्स विद स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल मैटर। क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड है ना मेटाफिजिकल, ये किसी भी पोइट्री के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट्री है, लेकिन उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? या तो वो स्पिरिचुअल हो या वो फिलोसफिकल हो, मतलब उस पोइट्री में जो बात कही जाए वो स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल का मतलब बच्चों अभी बताया था मैंने आपको कि धरती से दूर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे सूरज चाँद तारे आसमान, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? स्पिरिचुअल में आएंगी। तो ये कह रहा है कि हम किसी भी पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री कह सकते हैं, बशर्ते उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो स्पिरिचुअल हो या वो फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक या दर्शन की बात करे। ठीक है, तो आपको मेटाफिजिकल वर्ड इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के क्वालिटीज़ क्या क्या थी, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब जो इस टाइप की पोइट्री लिखते थे उन पोइट्रीज़ में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो पहली बात करते हैं, पहली जो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है मेटाफिजिकल पोइट्री में, वो है डिलाइट इन थॉट एंड एक्सप्रेशन। डिलाइट मतलब जानते हो हैप्पीनेस, थॉट अपने जानते हो थिंकिंग, और एक्सप्रेशन अपने जानते हो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना या रिवील करना, प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रेजेंट करना। तो कहा जाता है, क्या कहते हैं लोग, कि एलिजाबेथन्स प्लेड विद वर्ड्स बट मेटाफिजिकल प्लेड विद थॉट्स। ऐसे कहते हैं कि जो एलिजाबेथन पोएट्स थे, मतलब इससे पहले वाला जो एज मैंने आपको पढ़ाया था, उस टाइम में जो पोएट्स थे या वो उस टाइम में जो राइटर्स थे ना, वो क्या करते थे? शब्दों के साथ खेलते थे, मतलब शब्दों को कैसे भी यूज कर सकते थे तोड़ मरोड़ के। कहने का मतलब एक ही शब्द को कई सेंस में यूज कर सकते थे। ये कौन कर सकता था? एलिजाबेथन एज के पोएट्स। जबकि मेटाफिजिकल वालों के लिए क्या कहा जाता है कि दे प्लेड विद थॉट्स, वो वर्ड्स के साथ खेलते थे, ये हमारे थॉट्स के साथ, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस के साथ खेलते हैं। कौन? मेटाफिजिकल्स। दे डिजायर टू से समथिंग यूनिक एंड न्यू। और जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे वो क्या करते थे? हमेशा कोशिश करते थे वो लोगों से हट करके कुछ बात करें, कुछ नई चीज लेकर के आए, तो वो हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहते थे। तो पहली क्वालिटी आपको समझ में आ गई कि डिलाइट एंड थॉट्स इन एक्सप्रेशन। दूसरी बात करें, दूसरी जो क्वालिटी है मेटाफिजिकल पोइट्री की, वो है फॉन्डनेस ऑफ कंसीट। कंसीट का क्या है बच्चों? कंसीट वर्ड को आप ऐसे यूज कर सकते हो, शो ऑफ करना, किसी चीज का दिखावा करना। दिखावा करने का मतलब अपने आप को कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाना करना, प्राउड ऑफ करना या शो ऑफ करना, या जो बोस्ट करते हैं, अपने आप के डिंगे हाँकते हैं, उसके लिए कंसीट वर्ड यूज किया जा सकता है। तो देखिए क्या है, फॉन्डनेस ऑफ कंसीट्स। फॉन्डनेस मतलब क्या होता है? फॉन्ड मतलब होता है, फॉन्ड ऑफ होना मतलब आदत पड़ना, किसी चीज के लिए हैबिचुअल होना। तो वो हैबिचुअल थे किसके? कंसीट्स यूज करने के। वो अपनी पोएट्री में, अपने वर्क्स में क्या यूज करते थे? कंसीट्स यूज करते थे। कंसीट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रेजेंट विट। और कंसीट को क्या माना जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, किस चीज के लिए? प्रेजेंट विट। विट मतलब बुद्धिमानी। ऐसा कहा जाता था जो कंसीट्स यूज करते हैं बहुत बुद्धिमान है, देखो कितने अच्छे से अपने चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी चालाकी से। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बुद्धिमानी को क्या करता है? प्रेजेंट करता है या शो करता है। कंसीट इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट और थिंग्स। अब देखिए कंसीट क्या है, कंसीट क्या है?
कि ये कंपैरिजन है बिटवीन डिससिमिलर ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। मतलब अभी मैंने आपको बताया था धरती के लोगों को सूरज का सूरज से तुलना करना, क्या ये सिमिलर है, दोनों समान है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। तो ये कंसीट में होता है। कंसीट में क्या कह रहा है, दो अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों का आपस में कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, कंसीट। तो वो ऐसे कंपेयर करते हुए क्या करते थे, अपनी पोएट्री लिखते थे, या कंसीट यूज करते हुए अपनी पोएट्री लिखते थे। इसी को कहते हैं फार फेस्ड कंपेरिजन। कंसीट को आप अच्छे से समझ सकते हो इन दोनों वर्ड से, फार फेस्ड। फार फेस्ड मतलब सुदूर की कल्पना या सुदूर का कंपेरिजन, जिसका कोई लेना देना नहीं हो रियल लाइफ से। तो फार फेस्ड कंपेरिजन, ऐसा कंपेरिजन जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर की कल्पना या बहुत दूर के कंपेरिजन। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती थी उसमें किसकी अधिकता मिलती थी, कंसीट्स बहुत ज़्यादा यूज होते थे। अगला जो एक क्वालिटी और है इनकी, वो है ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी मतलब क्या होता है बच्चों, अनक्लियरनेस, मतलब कोई चीज़ क्लियर हो ही नहीं, जिसको आप हिंदी में कहते हो अस्पष्ट। तो ऑब्सक्योरिटी क्यों होती थी, तो बच्चों यहीं से आप समझ जाओ कि जब आप कोई चीज़ रियल लाइफ से रिलेटेड लिख रहे हो, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड लिख रहे हो, तो पढ़ने वाला जो है तुरंत उसको समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा, क्योंकि उसके आसपास की ये चीज़ें घटना में हैं, या उसके आसपास चीज़ें, ये चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स में आती हैं या ये हैपेंड होती हैं। तो आप रियल लाइफ से रिलेटेड लिखोगे या सोसाइटी से रिलेटेड लिखोगे तो आप उसको जल्दी से समझ जाओगे, क्योंकि वो आसपास की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप फार फेस्ड इमेजरी यूज कर रहे हो, मतलब दूर की कल्पना कर रहे हो, तो आप तो कल्पना कर सकते हो, चलो ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपकी बुद्धि उतनी दूर तक जा रही है, लेकिन क्या सब लोग उस कल्पना को आसानी से कर सकते हैं, क्या नहीं ना, क्योंकि आप सबकी अपनी अपनी थिंकिंग अलग अलग होती है, अपना अपना दिमाग अलग अलग होता है। तो सीधी सी बात है, हम जो सोच रहे हैं या हम जो लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला वो उसको ईजिली समझ जाए। तो जब नहीं समझ पाता तो क्या हो जाएगा, उसके पोइट्री में ऑब्सक्योरिटी देखने को मिलेगी, अस्पष्टता देखने को मिलेगी। यही चीज इसमें बताया गया है कि द मेटाफिजिकल पोएट्स मोस्टली कंबाइंड डिससिमिलर आइडियाज। अभी मैंने बताया कि वो अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज को अपने पोइट्री में लेकर के आते हैं, और जब ऐसी चीजें लेकर के आएंगे तो उनकी पोइट्री कैसी हो जाएगी, उनकी पोइट्री हार्श हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, ऑब्सक्योर अस्पष्ट हो जाएगी, और पजलिंग मतलब माथा पचाने वाला या दिमाग दौड़ाने वाली पोइट्री हो जाएगी। तो देख लो ऑब्सक्योरिटी आई कि नहीं आई, कि जब आप डिससिमिलर चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, लेकर के आओगे, तो लोगों को समझने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाएंगे तो कुछ लोग तो समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए पोइट्री कैसी हो जाएगी, हार्श हो जाएगी, ऑब्सक्योर हो जाएगी और पजलिंग हो जाएगी। तो तीसरी क्वालिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। चौथी जो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है किसमें, मेटाफिजिकल पोइट्री में, वो है लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या हो गया, स्कॉलरशिपनेस मतलब बुद्धिमानी, आप इसको बुद्धिमानी के रूप में भी देख सकते हो। कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे ना, या जो राइटर होते थे या जो आर्टिस्ट होते थे, वो बहुत बुद्धिमान होते थे, और वो अपने वर्क्स में अपनी बुद्धिमानी दिखाने में पीछे नहीं हटते थे। जब भी उनको मौका मिलता था वो अपने वर्क्स में बुद्धिमानी दिखाने लग जाते थे। बुद्धिमानी दिखाने का ही बच्चों ये नतीजा है या ये रिजल्ट है कि वो डिससिमिलर थिंग्स यूज करते हैं, जबकि कॉमन पीपल उसको समझ नहीं पाते, सामान्य से लोग उस चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन वो यूज कर रहे हैं। क्यों, ताकि लोग समझेंगे कि अरे कितना बुद्धिमान है ये। तो देखिए लर्निंग, तो मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे ना, उनको क्या कहा जाता था, मैन ऑफ लर्निंग, मतलब ये बुद्धिमान पुरुष होते थे, मैन ऑफ लर्निंग इनको कहा जाता था। देयर पोइट्री रिवील्स देयर स्कॉलरशिप। अभी मैंने बताया कि उनकी पोइट्री क्या चीज दिखाती थी, उनकी स्कॉलरशिप, कि कितने बुद्धिमान है वो। और टू शो देयर लर्निंग इज द चीफ सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था कि वो लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे अपनी बुद्धिमानी दिखाने में, तो उनका चीफ सब्जेक्ट क्या होता था, उनका मेन सब्जेक्ट क्या होता था, अपनी लर्निंग को दिखाना या शो करना। तो आई होप आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि वो लर्निंग अपनी दिखाने में
बहुत आगे रहते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के, वो है रिलीजन्स एंड अमोरस। अमोरस मतलब बच्चों होता है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू लव मतलब ऐसी चीजें जो लव के बारे में बात करें। तो ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे ये लव पोइट्री भी लिखते थे, रिलीजन के ऊपर भी लिखते थे। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड डिवीजन, मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो अलग अलग डिवीजन में बांट सकते हैं, एक है अमोरस और दूसरा है रिलीजियस। अमोरस मतलब हो गया किससे, लव से रिलेटेड, ठीक है, लव रिलेटेड हो गया ये। और रिलीजन का आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक क्वालिटी और देखने को मिलती है कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे उनकी जो पोइट्री हम देखेंगे या जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें रिलीजन्स भी देखने को मिलेगा, लव भी देखने को मिलेगा। इससे जो अगला वीडियो जब हम पढ़ेंगे, मेटाफिजिकल पोइट्री तो आज पढ़ रहे हैं लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हुए, उनकी क्या क्वालिटीज रही है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कुछ पोएट्स तो रिलीजियस पोएट होंगे और कुछ पोएट उसमें क्या होंगे, लव पोएट होंगे। तो ये चीज़ें आपको अगले वाली वीडियो में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि मेटाफिजिकल क्या है, ये वर्ड क्या है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि मेटाफिजिकल दो वर्ड से बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है अर्थली। इट मीन्स द थिंग्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर लाइफ और आवर अर्थ, ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ से हमारे अर्थ से रिलेटेड नहीं हो वो क्या कहलाती है, मेटाफिजिकल। फिर हमने आपको ये बताया कि हु वॉज द फर्स्ट हु यूज्ड दिस टर्म, तो ये था ड्राइडन। ड्राइडन वॉज द फर्स्ट मैन हु यूज्ड दिस टर्म मेटाफिजिकल, किसके लिए यूज किया था, फॉर जॉन डन। जॉन डन के लिए यूज किया था जब वो जॉन डन की पोइट्री का क्या कर रहा था, असेसमेंट कर रहा था या उसका मूल्यांकन कर रहा था। और डॉक्टर जॉनसन वॉज द फर्स्ट मैन हु पॉपुलराइज्ड इट, पहले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर जॉनसन थे जिसने इसको पॉपुलर बनाया या इसको फेमस बनाया। कैसे, इन्होंने इस टर्म को एक पोएट्स का ग्रुप था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और उस पोएट्स के ग्रुप को हम क्या कहने लग गए बाद में, पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, क्या कहते थे उनको, पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। ये हमने भी पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि कोई भी पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट्री हो सकती है अगर वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट रखे या फिलोसफिकल सब्जेक्ट रखे तो। फिर हमने किसके बारे में बात किया कि मेटाफिजिकल स्कूल्स की या मेटाफिजिकल पोइट्री की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो हमने पहले नंबर पर पढ़ लिया डिलाइट इन थाट्स एंड एक्सप्रेशन। फिर दूसरे नंबर पर हमने पढ़ लिया कि वो कंसीट्स यूज करने के लिए ज़्यादा ही जाने जाते थे। तीसरा हमने पढ़ लिया उनकी पोइट्री में हमें ऑब्सक्योरिटी देखने को मिलती थी। चौथा हमने पढ़ा कि वो मैन ऑफ लर्निंग के नाम से जाने जाते थे और उनके पोइट्री में या उनके वर्क्स में हमें लर्निंग देखने को ज़्यादा मिलती थी, मतलब ज़्यादा स्कॉलरशिपनेस देखने को मिलती थी। और पाँचवें हमने बात किया कि उनकी पोइट्री कैसी होती थी, दो पार्ट्स में बटी होती है। एक साइड में कुछ पोएट्स ऐसे थे जो रिलीजन के ऊपर लिखते थे और कुछ पोएट्स ऐसे थे जो लव पोएम के ऊपर भी लिखते थे या लव के ऊपर लिखते थे। तो बच्चों ये इनकी क्वालिटीज़ थी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल वर्ड्स को समझा, मेटाफिजिकल को समझा क्या मेटाफिजिकल पोइट्री है, मेटाफिजिकल पोइट्री की क्वालिटीज़ को पढ़ा। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने जाएंगे या जो नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, उस वीडियो में हम मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं या हैं, या कौन कौन से पोएट्स जो है मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा क्यों जाने जाते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।